छोटे शहरों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और देशपांडे फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की मदद से इनोवेशन का चक्का चल रहा है, लेकिन जैसे आप ग्रामीण इलाकों में आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर ही निर्भर है, यहाँ के युवा और किसान मिलकर अपना काम आसान बनाने के लिए कुछ नया इजाद कर रहे हैं। मेरा प्रोडक्ट वाटर फिल्टर है, पोर्टेबल वाटर फिल्टर विच कैन फिट फॉर एनी डिस्पोजेबल वाटर बॉटल। अब एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके फिल्टर खोल के तोड़ के सभी डिजाइन करके ये बना हुआ है। सो फर्स्ट एलिमेंट डाला हुआ है एक्टिवेटेड कार्बन, जो कि हमको मालूम है एक्टिवेटेड कार्बन का काम प्रॉपर्टीज की फिल्टर में कितना मदद होता है। तो अप टू 30-40% एक्टिवेटेड कार्बन ही काम कर देता है, और कॉटन भी यूज किया हुआ है और एक नेटेड क्लॉथ है वो भी इंस्टॉल किया है इसमें। हम ऐसे पैकेट में बेच रहे हैं, तो ये पैकेट में बेच के 20 रुपीज के लिए बेच रहे हैं हम। ये अप टू 100 लीटर चलेगा मैम, अप टू 100 लीटर के बाद इसके ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको और एक बार परचेज करना चाहिए। वी वॉन्ट टू डेवलप मच मोर एंड वी वॉन्ट टू डू अदर प्रोडक्ट्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन दिस फिल्टर प्रोसेस। इनोवेशन यात्रा में मेरी मुलाकात हुई 21 साल के संतोष कावेरी से, जो वैसे MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक किसान के बेटे होने के चलते वो अपने गांव और खेती की हकीकत से जुड़े हैं। संतोष के गांव शेतबाल में गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है। गन्ने की कटाई के बाद बैलगाड़ी में किसानों को गन्ना मिलों तक ले जाते संतोष ने बचपन से देखा है। ये किसान गन्ने का इतना भार संभाल पाए, इसीलिए संतोष ने बैलगाड़ी के लिए एक खास ब्रेक सिस्टम बनाया। रस्सी रहता है इसका, इन कनाडा वी कॉल इट एज अ मूगदाना। ओके, सो उसको टच किया। ओके, उसको टच करके वापस राइडर के पास वो रस्सी थी। ओके, तो रस्सी से हम एक बार खींचाना तो बुल को पता होता था कि राइडर वॉन्ट्स टू स्टॉप, सो ऑटोमेटिकली दी बुल्स ऑल्सो यूज टू स्टॉप गेट एंड व्हील्स ऑल्सो गेट कंट्रोल्ड। ऐसे ब्रेक सिस्टम की मदद से बैलगाड़ी चलाने वाले किसान को गाड़ी रोकने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, और साथ ही बैलगाड़ी को मोड़ना भी आसान होता है। शैतबाल इलाके की गन्ना किसान इस ब्रेक सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। संतोष का ये पहला इनोवेशन नहीं है, इससे पहले अपने पिता के खेत के लिए इन्होंने एक गाजर साफ करने वाली मशीन भी बनाई। गाजर को खेत से निकालकर साफ कर फिर मार्केट तक पहुंचाने में होने वाली देरी को कम करने के मकसद से मशीन बनाई गई। मिट्टी से भरे गाजरों को साफ करने की मशीन बनाने का आइडिया संतोष को वॉशिंग मशीन देखकर आया। वॉशिंग मशीन देखा तो उससे ऊपर आइडिया आया मेरे को कि इसे मैं ये बना लूं, कैरेट क्लीनिंग का मशीन बना दूं। ओके, तो फर्स्ट मैंने बनाने के लिए स्टार्ट किया तो 12 मशीन फेल हो गया, तो घर में सब गाली पड़ने लगा कि अरे भाई नहीं तो क्या कर रहा है, सब गाजर थे सब आधा आधा काट रहा है। 6 महीने के बाद 13 मशीन सक्सेस हुआ। पहले जहां गाजर की सफाई में पूरा परिवार घंटों बताता था, अब महज 15 मिनट में 1 क्विंटल गाजर की सफाई हो जाती है। पानी की भी काफी बचत हो रही है। अब धीरे धीरे आसपास के गांव से कैरेट मशीन की मांग बढ़ रही है। इस कैरेट क्लीनिंग मशीन की खासियत है कि ये आलू, मूली, शलजम जैसे जमीन के नीचे उगने वाली सभी सब्जियों को साफ कर सकती है। संतोष जैसे इनोवेटर भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, जो बिना किसी मदद और गाइडेंस के ऐसे नायाब और सफल प्रोडक्ट बना रहे हैं। हर्षदा सावंत, शैतबाल। CNBC आवाज की इनोवेशन यात्रा का कर्नाटका सर्किट पूरा हो चुका है। पिछले 5 दिनों में हमने मुलाकात की है लगभग 16 इनोवेटर से। इनमें से कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन हमारा सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता, लंबा रास्ता है और हमारा अगला पड़ाव रहेगा महाराष्ट्र में। तो देखते रहिए CNBC आवाज की इनोवेशन यात्रा।